हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक दैट इज अनबॉक्सिंग कन्वर्जन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बॉक्सिंग कन्वर्जन क्या है, तो इफ किसी को बॉक्सिंग के बारे में पता नहीं होगे तो हमारे लास्ट वीडियो को रेफर कर सकता है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। सो हम नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग इज द इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम अ रेफरेंस टाइप टू अ वैल्यू टाइप और फ्रॉम एन इंटरफेस टाइप टू द वैल्यू टाइप दैट पे इम्प्लीमेंट इन एन इंटरफेस। ओके, सो लास्ट बॉक्सिंग के अंदर हमने इम्प्लिसिट देखा था, यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिट मिलने वाले। ओके, एक्सप्लिसिट इन द सेंस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी डेटा कन्वर्जन करेंगे इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू एन स्पेसिफिक वैल्यू टाइप, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली यहाँ पे कास्टिंग करना पड़ेगा। कास्टिंग इन द सेंस वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा आपको ये जो डेटा है वो कौन से टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बॉक्सिंग टू अनबॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग टू अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो उस फॉर्म में आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि फर्स्ट बॉक्सिंग के अंदर हमने क्या कहता है, जो इंटीजर था उसको ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्जन कर दिया, उस मोमेंट में हमें कोई भी डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अगेन किसी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको उस वैल्यू को पता होना चाहिए कि जो स्पेसिफिकली जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है वो कौन से टाइप की है। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको उस जो डेटा टाइप है यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या होता है हमारे अनबॉक्सिंग के अंदर। When unboxing is occur, the memory is copied from management heap या managed heap to the stack. यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम जो रिवर्स प्रोसेस होगी, जो बॉक्सिंग के अंदर क्या हुआ था, जो स्टैक मेमरी है वो मेमरी हिप के अंदर स्टोर हुई थी, एंड अभी यहाँ पे रिवर्स होगा कि जो मैनेज मेमरी हिप है हमारा वहाँ से जो भी डेटा है जो या मेमरी है हमारे स्टैक के अंदर स्टोर होने वाली है। फॉर एन अनबॉक्सिंग कन्वर्जन टू अ गिव अ वैल्यू टाइप टू अ सक्सीड एट रन टाइम द वैल्यू ऑफ अ सोर्स आर्ग्यूमेंट मस्ट बी रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट दैट वॉज प्रीवियसली क्रिएटेड बाई द बॉक्सिंग अ वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू टाइप अदरवाइज एन एक्सपेक्शन एज थ्रो। स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि बॉक्सिंग करने के लिए आपको नेसेसरी नहीं कि वहाँ पे अनबॉक्सिंग का जो फंक्शनैलिटी हो, लेकिन जब भी आप अनबॉक्सिंग करोगे तो सेम प्रोग्राम के अंदर या स्पेसिफिकली उसके पहले आपको बॉक्सिंग वाला कंसेप्ट हुआ होना चाहिए कि जब तक जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई तो वैल्यू हमने असाइन की होनी चाहिए, तभी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम स्पेसिफिकली किसी वैल्यू टाइप के अंदर दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई तो एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो जो हमारा एग्जाम्पल है उसके पास जाते हैं। सो सेम एग्जाम्पल में हम फर्स्ट जो बॉक्सिंग का कंसेप्ट है वो यहाँ पे देंगे कि इंटीजर एन इंटीजर जे। ओके, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट स्टार्टिंग का पार्ट होगा हमारा, इतने तक हमने बॉक्सिंग का पार्ट देखा था कि इंटीजर एन असाइन किया हमने, इंटीजर एन डिक्लेयर किया हमने, उसके अंदर 10 वैल्यू असाइन की, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इन ऑब्जेक्ट ओबीजी उसका क्रिएट किया एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रेफरेंस का, एंड उसको हमने जो एन की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी। अभी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के लिए क्या होने वाला, एक स्पेसिफिक स्टेप हम यहाँ पे लेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेसिफिकली नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया जैसे इंटीजर जे। ओके, इंटीजर जे वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, एंड उस इंटीजर जे को एक जो स्पेसिफिक वैल्यू है हमारे ऑब्जेक्ट की यहाँ पे पास करेंगे विथ एक्सप्लिसिट। ओके, एक्सप्लिसिट इन द सेंस यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक्सप्लिसिट इन द सेंस हम उसको एक स्पेसिफिक कास्ट करें, उसको स्पेसिफिक मेंशन करें कि जो भी ओबीजी के अंदर आपका डेटा होगा वो इन अ फॉर्म ऑफ इंटीजर होने वाला है, तभी आप उसके अंदर उस डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ए हो गया आपका ओबीजी ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस टाइप टू द स्पेसिफिक वैल्यू टाइप डेटा, दैट इज अनबॉक्सिंग। भी ए सिनेरियो की ए जो मेथड है कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं, कि जैसे कि आप कोई भी नंबर्स ऑफ वैल्यूज या नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स थ्रू अ मेथड पास करते हो,
उस मोमेंट में आपको पता नहीं होता, या आप जैसे कि भूल सकते हो कि स्पेसिफिकली इसके अंदर कौन से टाइप का डेटा है या कौन से टाइप का डेटा आने वाला है, कौन से टाइप्स ऑफ डेटा यूजर इंसर्ट कर सकते हैं। तो उस सिनारियो के अंदर जो स्पेसिफिक वैल्यू है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओबीजी के अंदर स्टोर करेंगे एंड नेक्स्ट हमारे अकॉर्डिंगली उसको हम यूज कर सकते हैं। सिंपल फंडा यहाँ पे हम जो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।